हेलो जी आर के, हेलो बासर। आज इस मंच पे यहाँ बासर में आके मुझे एक जी आर के की फैमिली की ओर हम बढ़ते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और ये मैं बहुत लकी फील करता हूँ हम तोरू के टीम आज आपके साथ यहाँ में इस रात इस इवनिंग को यहाँ मौजूद होके इस प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं। और इनके साथ सबसे पहले आपको जी आर के टीम को कंग्रेचुलेशन देता हूँ। आज आपका एक मुकाम, आपका एक कदम आगे बढ़ के इस रिसोर्स के तौर पे आपको मुकाम पाया, कंग्रेचुलेशन करता हूँ। और साथ ही इस जीआरके के आज आपका इको रिसोर्ट ओपनिंग प्रोग्राम में जहाँ मौजूद एक गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे मेरा दोस्त जेपीएम न्यातुरीवा साहब, इस जीआरके के जो जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मीनल बासर, ओके जीआरके के फाउंडर सभी नहीं है, इनके एक मेंबर है यहाँ में अच्छे हैं को बासर फॉर्मर डीसी रिटायर्ड। और आज इस शाम को मजा ले रहे हैं ये इनवाइटीज हमारा 505 सर्कल रन मॉन्ग्स के टीम, इसके सीईओ चेयरमैन एंड देन रेस टाइम इंडिया, आपको हमारा अरुणाचल में हमारा इस न्यू बोर्न डिस्ट्रिक्ट बासर पे स्वागत है। और यहाँ इको कैंप के चेयरमैन न्यामर न्योदू, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ जीआरके सब यहाँ मौजूद लोग हैं। और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ जीआरके इको कैंप इनके साथ और एक मेरा जेपीएम दोस्त मैडम जेपीसी न्याविदी जी, आपको भी मिलके बहुत अच्छा लगा। आज आपके घर में चाय पिया, हमारे टीम को आपने सब हॉस्पिटैलिटी, इसके मैं तहे दिल से आपको बधाई देता हूँ, थैंक यू कहता हूँ। और आज मिकिन बासर जेपीएम हमारा और एक दोस्त यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद, और ऑफिसर्स ऑफ लेपारादा डिस्ट्रिक्ट जितना भी जो रिटायर्ड जितना आज ऑफिसर्स है, जो आपका टीम जितना भी यहाँ का वॉलंटियर्स है। और मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने वाला मैं नहीं हूँ, जस्ट दो तीन एक जो मन में आया उसको बोल दूंगा। मेरा यहाँ आने का एक मकसद यही रहा कि आपके एक टीम मेंबर में से मेरा गोन्या रिवा, शायद हम दोनों का दोस्ती अभी 7-8 ईयर्स है, गालो में मैं पहले इतना मतलब फ्रेंडशिप नहीं था। सबसे पहले मेरा एक दोस्त था अभी डॉक्टर कॉमरी रिवा, हाल ही में इसका बहुत एक दुख मतलब घटना चल रहा है, तो इसके चलते मेरा मैंने सीनियर्स है, तभी भी हम दोनों एक दूसरे को एक रेस्पेक्ट रहता है। वो भी हमको नाम निकोल करके एक पुत्र सोन ना सन पुत्र बोलता है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम लास्ट में घटना हुआ, इसलिए हम बहुत हम लोग एक दुखद दौर पे हैं। और इनके साथ में मिलके हमारा दोस्त गोन्या रिवा आया ये, और उसके बाद में फिर हमारा एक और निगम हमारा डी एस पी साहब मुमकिन साहब हमारा उत्तर क्षेत्र में अभी वो एक डी एस पी जॉब कर रहे हैं, इनके शायद हम लोग अभी एक दो साल हुआ है इसका जैसे एक फैमिली बन के। तो दोनों का चलते उससे पहले मैं जी आर के बारे में बहुत सुना और इसके न्यूज़ में, और इसका बात में जो हमारा बंधु गोन्या और ये बुमकिन साहब दोनों ने बहुत जिद करते हैं, और मैं उसी प्रकार का एक इंस्पायर्ड मेंबर हूँ एक यहाँ अरुणाचल का वासी तो होके है। तो हमारा गालो निशी आफातनी जितना भी है, हम एक पिताजी से आए हैं या एक जो भी है एक ब्रदर से हम लोग एक फील करते हैं। तो इसी चलते आप एक जो भी हो फैमिली में किसी ने इस आप चीज़ को आप एक जीआरके का तौर पे एक एनजीओ के तौर पे आप आज ऐसे
स्थित को उछाल रखे हैं, जो मचा के रहे हैं, जो एक गोल्ड मेडलिस्ट है इसके बहुत, मतलब हम लोग जितना भी टीम आए फैन यू नो दिल में जितना हम सोच के आए थे यहाँ आने का बाद उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमको मिला, ये बहुत बड़ा बात है। और मैं नहीं कहता हूँ आपका आइडियोलॉजी को हमारा वहाँ भी जाके वहाँ में इम्प्लीमेंट करने में कोशिश जरूर करूँगा, उससे बेहतर करने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन कल को सक्सेस हो भी गया तो जरूर एक कोने में हर स्पीच में आप एक मेरा आइडल बन के रहेंगे जी आपके टीम। तो उस चीज़ में यहाँ आने से पहले मैं एक सोचा था कि पहले मैं अपना उसको बोलने से पहले मैं कहूँ, जब ZPM मैं एक्चुअली बेसिकली मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अगर आप किसी बिल्डिंग रोड बनाने के बोलेगा तो मैं उसके बहुत स्पेशलिस्ट हूँ। तो इस बार हमारा जो जितना भी जो लोग है यहाँ आया उसमें छोटा सा एक सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी पापुमपाड़े डिस्ट्रिक्ट में एक सर्कल क्षेत्र है, इनमें हमारा पब्लिक ने हमको लीडर बनना बोला, तो लीडर एक ZPM का रूप में हमको इस बार इन लोग ने एक तोहफा के तहत दिया। तो मैं भी सोचता हूँ कुछ एक अच्छा काम करूँ इसमें, ऐसे नहीं कि सारा डेवलपमेंट करके वो जैसे मिनिस्टर MLA करता है वो चीज़ मेरा विचार में नहीं है, एक यूनिक वे से, क्योंकि हमको एक जब आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो मैं भी आपको एक उस चीज़ को एक प्रेजेंटेशन दूँ कि आप जो दूसरा लोग जो अगर आज तक करे नहीं है उसको एक इनोवेटिव वे से मैं प्रेजेंट करने के लिए मैंने इलेक्शन में भी एक मैनिफेस्टो रख डाला था। तो इसी चलते तो आप आज यहाँ हम लोग का आने का मकसद यही है, तो आपका जो एक बड़ा भाई छोटा भाई का हिसाब से एक आप लोग का जो सोच विचार और तो इसको हमने इंस्पायर करके यहाँ आया, और मैं आगे बहुत उम्मीद करता हूँ आप लोग के साथ मिलके एक टीम में काम करेंगे। और यहाँ मैं सोचता हूँ ये जो आपका GRK का जो कंसेप्ट आने से पहले जो मालूम हुआ, और आज ये कल जिसे हम लोग रात को गुजरा जिस घर में हम लोग ने हम लोग को हॉस्पिटलिटी दी खाने पीने में, उसका बाद एक उधर में जो हमारा ये अबो एक था उसने ऑलरेडी हम लोग को ब्रीफ कर चुका, उसका बाद आज जहाँ में हम लोग को लॉन्च किया वहाँ में, उसका बाद फिर यहाँ में हमारा जो बड़ा भाई DC रिटायर्ड है हेंको साहब ने अच्छी इसका उधर में भी हम लोग ने काफ़ी हम लोग जैसे पहले सुना था वाकई यहाँ में ऐसे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, सुबह को हम लोग वहाँ में गया तो जहाँ में जो ओल्ड बासर टाउन को मतलब देखना था, एक मॉर्निंग हम लोग जो पास जो आइटिनरी था आज का, तो वहाँ जाके हम लोग देखा तो जिस जगह में मतलब हम लोग तो वहाँ में तो बहुत क्लीनलीनेस एक मतलब वन ऑफ द ये मान के आया था, लेकिन देखा तो पूरा गंदा बोतलें फेंका हुआ है सब सारा गंदा। तो मैं सोचा ये हम लोग देखने के लिए आया क्या, लेकिन हमारा जो गाइडेंस ने गाइड ने उस चीज़ को उधर में जब इसका बात सुनने के बाद लगा ये रियलिटी है, GRK इज द बेस्ट, कोई बनावटी नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, सही चीज़ को बताया। यहाँ का लड़का लोग, यहाँ का जो लड़की लोग, जो बच्चे हैं, जो नादान है, जो समझ में नहीं आता है, इनको ने इन्होंने ऐसे हाल रखा, अपना तरफ से हमने काफ़ी कोशिश की। इसका कारण क्या है, अगर कोई इस चीज़ को अगर हमारा उधर में या दूसरा जगह में करता तो आने से पहले इन लोग क्या करता, काल गेस्ट आ रहा है दूसरा तीसरे हमारे बेजीती हुआ क्या होगा, पूरा रात भर उसको सफा करके करता है, एक वो मैनिपुलेशन होता। लेकिन प्रैक्टिकल चीज आज हम देखा, ये एक बहुत बड़ा बात है आप में GRK टीम में, इसके लिए आपको मैं हैट्स ऑफ यू नो आई शुड छोड़ यू ना, ये एक बहुत चीज हम देखा। उसका बाद यहाँ आपका जो इस मंच पे मैं यहाँ देख रहा हूँ, एक गाची के साथ में आपने प्लेटफॉर्म में ये मंच को बनाया, डिजाइन एक उसको क्या बोलेगा, एक ट्रेडिशनल भी नहीं है, ये एक क्रिएटिव है, इनोवेटिव। तो इसका सोच, इसका विचार, तो इसमें पता चलता है कि आप में कितना ह्यूमनिटी या इंसानियत है। तो इसी चलते हमने अभी ऐसा लगता है कि मैं कभी कुछ कोई गलती नहीं की है, हाँ मैं आने का मेरा मकसद जो रखा है, ये काफ़ी हम अभी ऐसे समझ में आया कि ये एक सही दिशा में हम लोग आया, जिस मुकाम जिस सोच के लिए हमने आया यहाँ में सीखने के लिए, यहाँ सीख गया बहुत बड़ा बात है। आज आप लोग का साथ रह के बहुत कुछ बोलने को मन करता है लेकिन मेरा मुख से जुबान से कुछ और शब्द नहीं निकल पाता है, ये एक है, लेकिन सोचता हम लोग भी हैं बट देन ये जितना भी आपका जो GRK को डिजाइन करने वाला, सबसे पहले उसको कभी जिंदगी में आप लोग को नहीं भूलना चाहिए। आज डिजाइन करने के बाद में जो कंसेप्ट को लेके आया, इसका बात में आप इस टीम में जिस हिसाब से आपने यहाँ किया, कल हमने एक दो घर में देखा है तो बोला कि जो 15 लोग
इनका नाम लेने से इन्हें गुस्सा करता है। हाँ, ये चीज इसका सोच में हम समझ गया कि वो जो पांडर मेंबर है अपना क्रेडिट नहीं लेके आप सबको इक्वलिटी में लेके आने का कारण क्या है कि एक यूनिफॉर्मिटी, एक ट्रांसफॉर्म चाहिए, एक कम्युनिटी को एक एकता, मतलब एक वननेस जो भी आपको फाउंडर है वो बनाना चाहता है, ये बहुत एक बड़ा बात है। उस चीज को, कंसेप्ट को जितना भी जो आने वाला जो वर्ग है, मतलब ये जनरेशन है, वो अगर समझ में आता। आपका बासर आज आपने बोला कि 2012 से ये जीआरके आपका लॉन्च हुआ यहाँ में, अभी इतना कम समय में आपने इस मुकाम पे लेके आया जीआरके का, आज गोल्ड मेडल स्टेट का, कितना बड़ा बात है। लोग 100 साल 1000 साल करने के बाद भी कभी गोल्ड मेडल मिलता नहीं, गोल्ड मेडल बहुत बड़ा बात है। उस चीज को हम आज यहाँ में खुद विजिट किया, आपका यहाँ में आके सब विटनेस करने के बाद, मैं तो आप हमको खराब पाओ या गलत पाओ कुछ नहीं, हम तो उधर में बोल के घूमेंगे जीआरके इज द बेस्ट। और ये आज हमारा तो रो सर्कल, हमारा चौथा सा एक सेक्शन है, मैंने सेक्टर है उधर का, एक क्षेत्र है, यहाँ आके हमने, हमारा उधर में करीब 2500 पॉपुलेशन होगा, आज वहाँ में जाके कम से कम 30-40 लोग आए हैं यहाँ में, कम से कम 10 लोग को बोल के जाएंगे इसका डिजाइन, आपका जो आइडिया, आपका आइडियोलॉजी को, इनके बाद इनके कितना लोग गूंजेंगे। मैं चाहता हूँ आप यहाँ में एक बस्ती से शुरू हुआ होगा या 2 बस्ती से शुरू हुआ होगा, आज आप डिस्ट्रिक्ट में लें। अभी एक और बोलना हो गया, अभी ये बहुत नया नया अभी लेफरादा डिस्ट्रिक्ट अभी नया जन्मा जिसे है, इसमें से हमारा दोस्त यहाँ में JPM है, इनकी मदम यहाँ है असली बोस जो, तो आपको भी बहुत कुछ एक टफ ये समय है, उस चीज़ को आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम फील कर सकते हैं, आप उसको चैलेंज लेके अभी हाल ही में 1 साल तो हम लोग को कोरोना तो खा गया, अभी बाकी जो 4 साल बचे हैं इनमें आपका जीआरके का साथ मिलके आप एक ऐसे मतलब दिशा में आप लेके जाना, दूसरा लोग दौड़ते दौड़ते पहुंच नहीं पाएंगे, वो चीज़ आप मेंटली में प्रिफर करना, और उसके बाद जितना जीआरके टीम में आप इसको सहयोग करने में साथ देना है, क्योंकि अभी हम जहाँ में जो देखा है आपका जीआरके कंप्लीट एक नॉन ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ इसमें, और हमारा जो पॉलिटिकल जो पंचायत पॉलिटिक्स तो अलग चीज हो गया, हमारा जो PRI है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, बहुत लोग उसको मिसकंसेप्ट होके बैठा है, उसमें हम भी ऐसे एनजीओ की तरह है, किसी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, हम एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है कंप्लीटली। आपका एनजीओ का साथ अगर मिलके हम दोनों मिलके अगर काम करेंगे ना, गवर्नमेंट भी पेल खा जाएगा। उसी प्रकार आपका सोच को हमने समझा, आपका विचार को आज आके समझा, ये एक आप आज का दिन में आगे बहुत आगे बढ़ चुका सोशली इकोनॉमिकली सब चीज में। बहुत लोग बोला है कि हम लोग बहुत आज एक बड़ा भाई बोला है कि मतलब एक गरीब बस्ती है, गरीब अमीर दुनिया में होता ही नहीं जो हम मानता हूँ, क्योंकि आप खुद ही गरीब है, आप खुद ही अमीर है, आप अपना दिल का राजा है, सब कुछ आप में है। आप जितना भी टाटा बिरला, जितना भी जो करोड़पति हजार बिलियनर है, मरने के बाद तो सब खाली हाथ जाएंगे ना, कुछ नहीं बचेंगे, बस पैसा वो अपना हिसाब से, अपना समय का हिसाब से आपका जो धन दौलत कमाया, लेकिन इसका कुछ वैल्यू नहीं है। आज इसलिए एक एग्जांपल रहा आपका जो वन ऑफ दी हम लोग का जो ट्रैवल में जो तानी बेल्ट में शायद फर्स्ट IAS ऑफिसर होगा, ये ताऊ बाम साहब का गुदर, उसमें हम लोग ने सेल्फी खींचा, दिल को हम लोग का दिल में इमोशनल मतलब एक हार्ट मतलब टचिंग हुआ। वो जो समझने वाला समझने वाले समझेंगे, हम तो वाकई वहाँ आंसू निकलने वाले थे, बैठे हैं साथ, कम से कम हम लोग को ऐसे हॉस्पिटलिटी मतलब कुछ वो बहुत कोशिश कर रहे थे ये करने के लिए, इनका सब कुछ सोसाइटी के लिए कुर्बान कर दिया। आज का दिन में बहुत कम लोग होंगे इसी प्रकार का इंसान, ये एक बहुत हमारा देश में हमारा जो एक इस छोटा सा स्टेट में, आप बेंगलोर से आए हमारे दोस्त लोग, उस चीज़ को आपको भी एक्सपोजर करना पड़ेगा। हम ट्रैवल जरूर है यहाँ में, लेकिन हमारा दिल आपका मेनलैंड इंडिया जैसे है, हम भी सोचते हैं आपकी तरह, इसमें शिकायत नहीं करूँगा, ये जो हकीकत है आप खुद देख के आया, तो इसके लिए मैं आपका जिस
मतलब कंसेप्ट से आपने जीआरके डिजाइन किया। यहाँ में हमको लगता है कि आप लोग ने एक गोद गिफ्टेड यहाँ मतलब लपरादा में लोग हैं, जो हर चीज जितना भी ऑफिसर्स है, जितना भी पॉलिटिशियन है, जितना भी जो इंटेलेक्चुअल है, इसी प्रकार के लोग सोचने वाले, इसमें कोई नहीं, सब लोग यूनिनियमस सोचते हैं कि उस चीज को अपना सोसाइटी को डेवलप कैसे करेंगे। मैं जहाँ सोच के आया था उससे ज़्यादा यहाँ आने के बाद में हमको एक्सपीरियंस हुआ, और मेरा यहाँ जितना भी जो आने वाला जो तुरु से आया है, तो आप यहाँ का जो हॉस्पिटलिटी, आपका जो हम लोग को जो जिस हिसाब से हॉस्पिटलिटी की एकोमोडेशन किया, उसको मैं जिंदगी भर कभी मेरा लाइफ में शायद एज ऑफ नाउ ये एक पहला होगा हमने एक ऐसे इंटरेक्शन टीम से किया कि जो इंसानियत एक उससे भी ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा आप लोग करते हैं। हालांकि हमारा जो छोटा सा स्टेप है, इसमें हम लोग भी वहाँ में आजकल मानने लग गया कि हमारा जो भाइयों बहनों में जो गालो लुक बहुत एडवांस है, अभी वाकई वाकई आपने साबित करके दिखाया। इसके लिए मैं आपको सलाम के अलावा कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली हम तो पॉलिटिशियन ने पहले भी बोल चुका, एक बिजनेसमैन है, एक इतिपाक से अभी आ गया, तो इसके लिए मैं 4 साल में मैं भी कोशिश करूंगा। उसी 4 साल में मैं चाहता हूं आप आज आपका यहाँ आया, जितना भी जीआरके का एग्जीक्यूटिव टीम को वहाँ आने के बाद मैं भी कुछ एक टाइम निकालने के लिए कहूँगा। मैं हमारा तोरो सर्कल को यहाँ में तो कुछ 2-3 दर्जन तो आ गया, तो वहाँ में जो है मैं एक अरेंज करूँगा। आप जिस चीज़ को हम लोग ने देख के आया, तो हम तो भरपूर कोशिश करेंगे उसमें भी, जो आप कर रहे हैं इससे भी थोड़ा और मॉडिफाई करके और ज़्यादा स्टैंडर्ड वे से। लेकिन आपका नाम जीआरके का नाम नहीं भूलूंगा, लेकिन आइडियोलॉजी आपका सब कुछ प्लानिंग प्रोग्राम आपका होगा, लेकिन मुझे भी आप इस दिशा में ले चलने के लिए आपका सहायता की जरूरी होगा, आपका मदद का जरूर होगा, ये जरूरी होगा। इस चलते मैं एक उम्मीद लेके जा रहा हूँ, मैं वहाँ मैसेज पहुँचा दूंगा। मैंने उसी में देखा जहाँ में न्यूज में जैसे हम लोग ने सोचा समझा, जैसे कि हम लोग ने ये किया, उससे बढ़कर है। अगर यकीन नहीं है तो बाकी जो आने आने वाला को भी कभी दिन आने के लिए मैं उसको न्योता मेरे जरूर उसको मैं कहूँगा वहाँ में। इसलिए आज ज़्यादा बहुत ही तंदी रात है, तो हमारा बेंगलोर का दोस्त को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे जंगल में ऐसे प्रोग्राम भी हो रहा है। ये तो यकीनन आप भी सोच रहेंगे होंगे। इसके बाद ये आज हम लोग एक दो बस्ती देखा था, बाम कोई बस्ती था, तो इनमें हमारा कुछ लोग कल नाइट होल्ड किया। इनका भी कहने का मतलब ये लाइफ में पहला एक्सपीरियंस है ऐसे मजा। अभी यहाँ में एक और एक चीज दिख के मतलब आ रहा है, हमारा उधर में पब्लिक लोग क्या बोलता है, तिना चाहे सीजे ऐसी मतलब ऐसे परेशान करता है लीडर लोग को। हमारा कभी कभी एमएलए साहब को भी देखता हूँ, हम लोग को भी बोल, अभी यहाँ आके देखता है सीजे ऐसी का कुछ शक्ल सूरत ही नहीं है। तो इसका कारण क्या है, यहाँ में दिन में आज हम लोग पूरा जैकेट पहन के, कोट पहन के, टोपी स्वेटर पहन के घूम रहा है, वहां में अगर दिन में ईटानगर में होंगे ना, इसका डिग्री कितना हॉट मतलब टेम्परेचर होगा, आप गाड़ी कार में एसी लगा के घूमने होंगे। ये सीधा सा इसका एक कैलकुलेशन ये कि हमारे उधर में जितना जो ये कंक्रीट से ये जितना भी जो सीट है टीना से जो घर को चलता है ना, इसका उल्टा हम लोग को असर पड़ रहा है। तो इस चीज को हम भी कोशिश, मेरा मेरा ख्याल से हमारा बस्ती वाला तो मानेगा नहीं, क्योंकि टीना तो बहुत इजी से होता है ना, अभी यहाँ में फिर होगा नहीं वो चीज। तभी भी हम उधर में बस्ती वाला को बता के कोशिश बता के देखूंगा कोशिश करके, ये चीज ऐसे होता है। लेकिन ये डिफोरेस्टेशन ये सब सारा बहुत आपका जो अभी हम लोग यहाँ में जितना आपका जो नपटेक बोर्ड में हम लोग देखा, तो उस चीज को वहां में हम लोग समझाने के लिए कोशिश करेंगे। इसके साथ में जितने भी आप लोग हैं सीनियर्स में जो जीआरके फाउंडर्स, सब टीम को एक बार हमारे उधर में आना होगा, तो आपको भी एक हम लोग एक मतलब पार्टिकुलर इस फील्ड में एक छोटा भाई जैसे है, तो जैसे भी आप हमारा उंगली लेके चलेंगे वो क्या मैं उम्मीद करता हूँ। और इसके बाद अंत में हम लोग को कुछ देने के लिए नहीं है, आपका हॉस्पिटलिटी देख के, आपका सब कुछ देख के दिल तो मन करता है मैं अपना मतलब सब कुछ यहाँ नया न्यौछावर कर दूँ, पर क्या करें, हमारा भी बीवी बच्चा है, घर तो वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जितना भी गेस्ट आया तोरो सर्कल से और हमारा जो बेंगलोर दोस्त है,
और हमारे एक जेपीएम आज हम लोग एक गेस्ट बन के आए, इसलिए छोटा सा एक तोहफा है, तो मैं कमिटी को बाद में बता के इसका एक सलाम मशवरा करूंगा। तो कुछ अगर इस छोटा सा तोहफा से ऐसे आप नहीं समझे कि यहाँ आया कुछ एक इनके लिए एक मतलब गिवन टेक में पोलि मतलब ऐसे जस्ट एक्सचेंज के ऐसे तो उसको फील करने का ये नहीं है, लेकिन कुछ अगर इससे अगर आपको काम आए जीआरके को, इसके लिए मेरे दिल को भी खुशी होगा, हमारे टीम को भी खुशी होगा, इसलिए मैं एक बेट करना चाहूँगा। तो मैं बाद में कमिटी को एक वरना हम लोग जाने से पहले मिलकर उसको ये करेगा, इसलिए ये मैं अपना स्पीच को यही रखूंगा। और बात माइक को छोड़ने दिल नहीं, रात भर बात करने मन है, लेकिन क्या करें अभी समय भी तो ऐसे है ना, इसलिए जय जीआरके, जय बासर, थैंक यू सर, फिर दोबारा मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।